हेलो अरे हेलो 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 दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनके जो भी प्लान्स थे वो सारे के सारे बढ़ गए हैं। इवन जियो के भी बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे कि भाई सबका बढ़ गया, लेकिन जियो का नहीं बढ़ा है। बट उनके लिए अब थोड़ी सी दुख की बात है कि जियो के जो प्लान्स थे वो बढ़ गए हैं, 21% तक बढ़े हैं। बाद बाकी एयरटेल वीआई यानी वोडाफोन आइडिया के जो प्लान है वो 25% तक बढ़े हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें एयरटेल जियो वीआई वगैरह में, तो सबसे सस्ता जियो ही पड़ता है, मतलब थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। एक तो इन लोग का 28 दिन का महीना लगता है और 4G नेटवर्क के नाम पे 2G स्पीड मिलती है, और इसके जो प्लान्स है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 399 का जो प्लान था वो 479 हो गया है, 449 का जो प्लान था वो 549 हो गया है, और 598 का जो प्लान था वो 719 हो गया है। लगभग 25% रेट इंक्रीज हुए हैं। ऐसे में लोग इंटरनेट कैसे यूज़ करेंगे? रिचार्ज कराना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो दुनिया है इंटरनेट के बिना बिल्कुल अधूरी सी लगती है, क्योंकि इंटरनेट से बहुत सारे लोग काम करते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में प्लान का जो रेट है वो हमेशा बढ़ता ही गया, तो फिर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रिचार्ज कराने के लिए। खैर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जगह पे आप BSNL का एयर फाइबर इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक पाइप चाहिए होता है जो कि लोहे का, ज़मीन से 40 फीट के आसपास में इसकी हाइट होनी चाहिए, और उस पाइप के ऊपर एंटीना लगा होता है, मतलब कनेक्शन करवाएंगे तो वो बंदा लगा देगा। तो उसका जो सिग्नल है वो नियरेस्ट नेटवर्क टावर से आता है जो कि 8 किलोमीटर के रेंज में होता है, तो वहाँ से सिग्नल ब्रॉडकास्ट हुई तो फिर ये एंटीना पे आई, तो फिर एंटीना जो है एंटीना से होकर नीचे राउटर में जाता है, ठीक है, फिर राउटर से हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इसके 3 प्लान हैं जो कि ये हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप कोई भी प्लान लें उसके साथ कॉलिंग फ्री है, तो क्यों ना टेलीफोन लगवा लिया जाए। तो चलिए अब हम इसके इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम खोला और यहाँ पे देखिए fast.com, इस पे टेस्ट करते हैं। 50, 57, 58, 59, 60, 58, 57, 56, फाइनली 56 Mbps इसकी स्पीड है। और ये है राउटर TP-Link का जो कि मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, तभी मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, ओवरऑल अगर आप फास्ट इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो BSNL का एयर फाइबर इस्तेमाल में ले या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लें, तभी आप फास्ट में इंटरनेट चला पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे यूज करने के बजाय ऐसे 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 यूज करते रह जाएंगे। पता नहीं टेलीकॉम कंपनी अपने नेटवर्क को कब सुधार करेगी। दोस्तों, आपके साथ भी नेटवर्क इशू होता है क्या? तो आप मुझे अपना नाम और जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम कमेंट में मेंशन जरूर करें, कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ताकि जो भी टेलीकॉम कंपनी है उन्हें ये पता चल सके कि इतने सारे लोगों को इंटरनेट चलाने में दिक्कत आ रही है, ताकि वे एक्शन लें अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है लाइक एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, सभी को ये बात पता चल सके कि इतने सारे लोगों को इंटरनेट चलाने में दिक्कत आ रही है, ताकि वे डिसीजन लें नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भाई के चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई ने बोला करने का तो करने का, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।